अंटार्कटिका पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ का 98% हिस्सा 4 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। अंटार्कटिका पूरे दुनिया में सबसे ठंडा इलाका है। यहाँ पर साल में 200 mm की ही बारिश होती है, इसलिए इस जगह को रेगिस्तान भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ देशों ने अपने रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं। यहाँ पर वैसे तो कोई रहता नहीं है, पर साल में 4 से 5 हज़ार लोग आते जाते रहते हैं। माना जाता है आज से बहुत साल पहले यहाँ का वातावरण गर्म था, यहाँ लोग बसा करते थे। यहाँ पर बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। आसमान से आए मीटेोराइड सबसे ज़्यादा यहीं कलेक्ट किए गए हैं। यहाँ के जीवों ने इस वातावरण में रहना सीख लिया है। अंटार्कटिका ज्वालामुखियों का भी घर है। तो तैयार हो जाइए, आज हम आपको अंटार्कटिका की 10 ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले डिफरेंट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा बर्फ होने के बावजूद लगभग 400 लेक्स भी हैं। इनमें से एक लेक है वॉस्टॉक लेक। इस लेक का नाम रशियन वॉस्टॉक स्टेशन के नाम पर रखा गया है। वॉस्टॉक लेक लगभग 4000 मीटर बर्फ के नीचे पाई गई है। ये लेक समंदर से भी 500 मीटर नीचे है। यहाँ पर कुछ बहुत ही सुंदर लेक्स भी पाई जाती है। डीप लेक अंटार्कटिका की बहुत ही सुंदर लेक है, जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये लेक भी समंदर से 55 मीटर नीचे है। इसका पानी समंदर से 10 गुना ज़्यादा खारा है। -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने के बावजूद यहाँ पर पानी नहीं जमता है। अंटार्कटिका में एक खूनी झरना भी पाया गया है। ये झरना खून की तरह लाल है। जब साइंटिस्ट ने इसकी खोज की तब उन्हें पता चला कि इस झरने में समंदर से भी ज़्यादा खारा पानी है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये रिएक्ट करते हैं, जिससे इसका पानी लाल रंग का हो जाता है, इसलिए इसे ब्लड फॉल भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं आप सब जब भी अंटार्कटिका के बारे में सोचते होगे, आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ठंड वाला इलाका है, यहाँ पर कोई रह ही नहीं सकता है। यहाँ का सबसे कम टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इंसानों को इस टेम्परेचर में रहना मुश्किल है, पर वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे प्रजातियों की खोज की है जो उस वातावरण में रहना सीख गए हैं। अंटार्कटिक में पेंगुइन, वेल, सील्स एंड सी बर्ड्स और भी बहुत सी प्रजातियाँ हैं। क्या आपने कभी आइस फिश के बारे में सुना है? इस फिश में खून नहीं होता है और ये सिर्फ ठंडे टेम्परेचर में पाई जाती है। आप इस फिश के आर पार भी देख सकते हैं। यहाँ पर 2% हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती है। यहाँ पर आपको सूखी घाटियाँ भी मिलेगी। यहाँ पर रेत के टीले हैं जो 70 मीटर ऊंचे और 200 मीटर चौड़े हैं। ये साइट वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ का जलवायु मंगल ग्रह के जैसा माना जाता है। साइंटिस्ट का मानना है इस जगह पर अन्य ग्रह पर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। जैसे जैसे वातावरण गर्म होता है, बर्फ पिघलती है और ये टीले भी खिसकने लग जाते हैं, इसलिए साइंटिस्ट जल्द से जल्द इस जगह की पूरी छानबीन करना चाहती है। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि अंटार्कटिका में बहुत से ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, पर यह सच है। माउंट एरेबस पर अनोखी प्राचीन लावा लेक है जो कि 1.3 मिलियन सालों से उबल रही है। ये अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इस जगह के दूर और मौसम खतरनाक होने के कारण यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, पर 2013 में साइंटिस्ट की एक टीम इस ज्वालामुखी पर चढ़ने में कामयाब रही। साइंटिस्ट को यहाँ पर ज्वालामुखी की गर्मी में पाए जाने वाले जीव मिले। साइंटिस्ट इन जीवों को दुनिया के सबसे अनोखे जीव मानते हैं। रास आइस शेल्फ अंटार्कटिका की सबसे बड़ी आइस शेल्फ है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये आइस शेल्फ एक खतरनाक राग गाती है। ये यहाँ पर चलने वाली तेज हवाओं के कारण होता है। ये भूकंपीय स्वर पैदा करती है। इंसानों के कान से ये नहीं सुना जा सकता, इसके लिए साइंटिस्ट भूकंपीय सेंसर का यूज करते हैं। साइंटिस्ट को इसकी मदद से अंटार्कटिका में भूकंप या फिर बर्फ के तूफान का पता चल जाता है। अंटार्कटिका में एक जाइंट होल भी पाया गया है। कहा जाता है कि समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाला गर्म पानी को समुद्र की धाराएं ऊपर धकेल देती है, जिससे सतह पर पाई जाने वाली बर्फ पिघल जाती है और एक जाइंट होल बन जाता है। साइंटिस्ट आज भी इस जाइंट होल के राज को नहीं खोज पाई है। यहाँ पर आसमान से कई सारे मीटेोराइड्स भी गिरे हैं। अंटार्कटिका जैसी जगह पर मीटेोराइड्स को ढूंढना बहुत ही आसान है, क्योंकि बर्फ की सफेद चादर पर मीटेोराइड्स को आसानी से देखा जा सकता है। 1976 से लेकर अब तक 20,000 से ज्यादा मीटेोराइड्स के नमूने इकट्ठे किए गए हैं।
अंटार्कटिका रहस्य से भरी एक जगह है। जब अंटार्कटिका गर्म जगह हुआ करती थी, तब यहाँ पर एक शहर बसता था जो आज के समय में बर्फ में ढक चुका है। यहाँ तक ये भी माना जाता है कि हिटलर युद्ध से भागकर यहीं आए थे। शायद आने वाले समय में जब यहाँ की बर्फ पिघल जाए, तब हमें अटलांटिस शहर देखने का मौका मिल जाए। अगर आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े हैं तो डिफरेंट टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना मत भूलिएगा।